बस आप शुरू भी करो, शायद मैं बीच में थोड़ा सा सवाल पूछ लो। चलो ठीक। तो क्या नाम है, सबसे पहले तो ड्राइंग स्टार्ट की मैं 5-6 क्लास से, तब अच्छा ये शौक था भी पहले से। अच्छा शुरू से शौक था। और घर वालों ने तो ये कहा था कि मतलब ड्राइंग वगैरह देखे कि जाना एनसीए में है, वहाँ से एनसीए का पता लगा। फिर जब मैं फ्री हुआ था 2018 में कॉलेज से, तो फिर मैंने अप्लाई किया एनसीए आर्किटेक्चर में सिर्फ ओपन मेरिट में। तब एक स्टूडियो ज्वाइन किया था 3 महीने के लिए मैंने, वहाँ से तैयारी करके सारा मैंने टेस्ट दे दिया। मैं तो सेटिस्फाई था क्योंकि उस साल मेरे लिहाज से मेरी अच्छी थी ड्राइंग, मुझे नहीं पता था कि इतना आगे कुछ एक्सप्लोर करने वाला उधर है। जो स्टूडियो के माहौल के हिसाब से कैसी थी, वहां पे किस रैंक पे आते थे? उधर वहां में भी मैं था, मतलब टॉपर में एक टॉपर आता था, में एक था, फीलिंग मतलब एक आती फील थी कि आती आई एम द थी। बेस्ट, सही जा रहा हूँ तो मैं। फिर मुझे अच्छा एनसीए जाके पता लगा था कि मैं कहाँ में स्टैंड गया था उस साल। अच्छा, वो तो टेस्ट देने के बाद टेस्ट देने के पता बाद वहां पे कॉम्पिटिशन का पता लग गया ना मुझे। लगा। अच्छा खैर सही टेस्ट है। क्लियर हो गया था मेरा, हाँ मैं इंटरव्यू तक चला गया था बेचारा। हाँ इंटरव्यू तक चले गए। सही। तो फिर इंटरव्यू मेरे मैंने देखा बच्चों के पोर्टफोलियो, तो तब मुझे जाके पता लगा कि यहाँ पे सीन थोड़ा। क्योंकि सारी मछलियां एक जगह, वो अच्छी हाँ जी मछलियां ऐसे ही रहती हैं, है। वो सारी इकट्ठी हैं। तो फिर उसके बाद खैर इंटरव्यू मैंने दे दिया सॉरी मैं उन्होंने। आपकी बात कर, मतलब उस वक्त सारे जो पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं उनका लेवल एक्चुअली पता लगा कि उनका लेवल क्या जी था, ऐसी बात है, क्योंकि स्टूडियो में जरा अंधों में काना राजा वो फीलिंग ऐसे आ ही रही थी। है ऐसे ही हाँ है, बिल्कुल ऐसे ही है। सही हो गया। ठीक। तो स्टूडियो में यही था कि मतलब मैं अपने आप को सोचता था कि हाँ चलो ठीक है मैं सही हूँ, लेकिन असल जो पता लगता है ना वो एनसीए लाके पता लगता है कि क्या चीज़ कहाँ पे स्टैंड करती है। ऐसी है। तो फिर खैर इंटरव्यू दे दिया मैंने, उन्होंने मेरे डिपार्टमेंट के बारे में ज़्यादा पूछा नहीं, बस इधर उधर की बातें। उस लिहाज से मैं सेटिस्फाई था उस साल के लिहाज से, ठीक है। हाँ तो मैंने कहा हाँ अच्छा हो गया इंटरव्यू वगैरह, अच्छा हो गया इंशाल्लाह आ जाएगा। तो खैर लिस्ट लगी तो उसमें नाम नहीं आया। क्या तब तो फीलिंग क्या थी, फीलिंग्स बताओ। फीलिंग तो मतलब मेरा टूट ही गया था। मैं टूटी गई थी वही बिल्कुल। 6 लाख का ड्रीम एकदम से आगे नाम ना आया आपका, फिर आपको हाँ आगे पता लग रहा है आपके आगे कोई ऑप्शन भी नहीं है, गैप ईयर आपको नजर आ रहा है सामने। तो फिर पता लगता है कि कर लेना चाहिए था और अच्छा कुछ है। तो फिर फ्री रहा मैं तकरीबन महीना, तो मैं रहा था इसी जोन में। जोन में रहा था कि पता नहीं क्यों नहीं हुआ, ये हो गया वो हो गया। ड्रीम जब ऐसे टूटता तो फिर ऐसे ही होता है। खैर ऐसे ही है। खैर वो एक प्रोसेस था, उससे गुजरे आप, वो चीज जो फेस की आपने वो चीज गुजरे। तो फिर उसके बाद क्या नाम है, 2 ही महीने ऐसे रहा मैं, ड्राइंग करता रहा था मैं, तब भी रोकी नहीं मैंने, कोई चीज बना लेता था मैं कुछ भी। तो फिर अब अच्छा मतलब पर उसी वक्त प्लान हो गया था कि नेक्स्ट ईयर करना नेक्स्ट है। ईयर करना है, अच्छा वो उसी सही। वक्त था मेरा कि रुकना नहीं है, गिव बस अप नहीं करना, करना गिव अप है, नहीं मतलब करना, नेवर गिव अप। नेवर गिव अप। टी शर्ट भी पहनी हुई है आज। अच्छा फिर। तो यही अच्छा था फिर। इसमें थोड़ा सा और डिटेल में जाऊंगा। उस वक्त क्या कोई सहारा था जिसने पकड़ के तुम्हें उठाया हो, या अकेले ही डिसीजन? अकेले किया है अच्छा मैंने, तन्हाई में मैंने एक चीज नोट की है कि मतलब आपका लिंक जो है डायरेक्ट अल्लाह के साथ अल्लाह होता के साथ है, जाते हैं, अपने साथ होता है। अपने साथ होता, आपका लिंक अल्लाह से हो हाँ जाता जी है। हो जाता है, वहां पे आपके माँ बाप भी कंसीडर नहीं कर रहे होते नहीं कर रहे कि होते जरा बिल्कुल नहीं कर रहे बिल्कुल होते बिल्कुल, वो ना आपको, कोई इतना दोस्त ना ऐसे कुछ, ही है कोई ये समझ नहीं ना सकता, हाँ कुछ समझ नहीं कोई सकते गुजरा नहीं इसलिए होता उस चीज गुजरा से। नहीं होता। ये चीज है, वो बिल्कुल खुद ही ठीक उठाया था है। खुद को, मतलब सोचा था कि नहीं करना है तो करना है बस। तो जनवरी तक मैं ऐसे ही रहा था, करता रहा ठीक था, है हम ठीक है। सोचता रहा कि क्यों नहीं हुआ। फिर खैर आपकी वीडियो देखी थी फिर मैंने फेसबुक पे कि कैसे अच्छा स्टार्ट कर दिया जाए एनसी की तैयारी। फिर मुझे भी पता लगा कि 3 महीने से कुछ नहीं होता एनसी की तैयारी हाँ करने में, हाँ तैयारी हाँ करनी है तो साल लगाना पड़ता है। साल मस्त है। ठीक है हो गया। तो फिर फेब में आपके पास आया मैं, अब फेब में यहाँ पे आया, मैं सोच रहा था चलो ठीक है मुझे पहले से आता है बड़ा कुछ, ठीक हो गया मैं तब भी ये सोच रहा था कि चलो ठीक ठीक है हो आता है गया। मुझे। तो आपने यहाँ पे सामने पहले इतनी चेयर रखी थी मुझे याद है, अच्छा मुझे खैर बुला, बताओ बताओ। शीट से बाहर निकल गई थी, शीट से बाहर। अच्छा जरा भी नहीं बनाई गई थी मेरे से, प्रेशर वो क्या प्रेशर था या था ओवर और वो कॉन्फिडेंस? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बस था, काफी देर बाद एक तो मैं स्टेज लाइट को हाथ अच्छा लगाया था और ठीक कुछ हो ऐसा गया। था। तो फिर मैंने यहाँ पे 2-3 और बच्चे देखे, मैंने कहा ये थोड़ा सीन खराब है यहाँ, मैं बहुत पीछे हूँ करना पड़ेगा। तो फिर आपने लाइन वगैरह सीधी करवाई शुरू से, घर से कहा कि कोई 20-25 स्टेयर्स बना के लाओ, वो भी मैं बना के लाया था मुझे सही सही। याद है। अच्छा ये मैं इसमें डिटेल में थोड़ा अपने इनपुट दूंगा। उस टाइम आप मतलब जिस एक जोन में थे वहां से दोबारा नीचे लाना ना, ये टीचर के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। ऐसी बात है, और उस वक्त आपने नोट किया होगा कि आपके क्वेश्चंस जो थे ना बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा और मैंने वो सारे क्वेश्चंस बड़े मजे से उसको क्लियर आउट किया था, था।
और मुझे पता था आप किस चीज से गुजर रहे हो और आपका उस स्टेज पे आना जरूरी है, जरूरी था क्योंकि वो खामियां फिल करनी थी, तो आप लेवल पे सही हो गया। स्टूडियो वाले साथ ही है, स्टूडियो वाले साथ ही पहले दो हफ्ते मेरा दिल जरा भी नहीं लगा था, नहीं मैं सोच रहा था कि यार दोबारा से तैयारी करनी पड़ रही है, दोबारा स्टूडियो पीछे चला गया बंदा, दोबारा पीछे इतना कवर करके दोबारा शुरू से स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो तीसरे हफ्ते में आके पता लगा कि एकदम से कुछ हिट किया गया, जाना है एनसीए, जाना हर हाल में जाना, तो करना दोबारा से थोड़ा इमोशनल टच हुआ। हाँ जी सही। तो फिर नोट्स वगैरह आपने दिए हुए थे, उसमें से तैयारी की मैंने, यहाँ पे स्टिल लाइफ बनाता गया बनाता गया, बीच में थोड़ा डाउन दोबारा गया था मैं, वो आता है ऐसे डाउन होते हैं, अपसेट डाउन होते हैं, टाइम पीरियड ज्यादा लंबा होता है, ऐसा ही है। तो फिर उसके बाद स्टिल लाइफ थोड़ी हो गई थी मेरी ग्रिप, तो आपने मुझे याद है पहला पोर्टफोलियो दिया था बनाने के लिए, वो बर्तन वगैरह थे उसमें मेटल का टेक्सचर था काफी, टेक्सचर के जी वो मैंने स्टार्ट किया फिर बनाना, वो जब काफी टाइम लगा था उसमें खत्म होने में, बीच में छुट्टियां आ गई थी वगैरह की, तो वो मैंने ना उसमें अपना बेस्ट दिया था मैंने, तो ना फिर मुझे याद मैंने आपको आगे दिखाया तो ना आप ज्यादा सेटिस्फाई नहीं थे उसे, तो इस बात आप चार चीज से भी बेहतर हो सकते आराम से, तो वो उस चीज में थोड़ा डाउन किया मैंने, यार बड़ा बेस्ट दिया इतना इनपुट डाला है, सर क्या चाहते हैं, खैर वो हो गया। तो फिर उसके बाद आपने दोबारा दिया वो बोटल सीन कंक्रीट ब्लॉक था, वो स्नूकर बॉल सीन, फिर आपने वो दिया, उन दिनों रोजों में बैठ के वो किया था, ये सारा किया, मुझे भी याद है, मैं पूरा करके मैं लाके आपको दिखाया, आपने देखा हाँ अच्छा, आप तस्वीर लेके पेज पे लगाई उसकी, आपने पास देखा, आप कहते हैं नहीं यार अभी भी ना वो सीन नहीं है, मतलब आपने कहा कि दूर से बस सही लग रहा है, अंदर जाके ना इतनी हाथ नहीं की, वो फिर मैं डाउन में यार ये क्या सीन है। फिर आपने कहा कि ना हार्डवेयर बना सामने रख के रियलिस्टिक टेक्सचर दे उसे, उसमें काफी फिर टाइम लगाया मैंने, तो मतलब मुझे भी ना हर पोर्टफोलियो के बाद पता लगता है कि सर ने क्यों कहा था कि और अच्छा कर, मतलब एक्ट करने के बाद पूरा एक्ट करने के बाद आपको काफी पता लगता है मुझे क्या क्या चीज आती है, बातें पता लगता है कि हर चीज जो भी है बेहतर के लिए, वो बनाया मैंने। तो फिर आपने उसमें थोड़ा कहा था कि हाँ ये अच्छा है, तो काफी ज्यादा एप्रिसिएशन भी मिली थी, सारे बच्चे भी कह रहे थे काफी अच्छा लगा था, तो मैं थोड़ा मोराल ना थोड़ा हाई हो गया मेरा। तो फिर उसके बाद अब एनसीए भी पास आ रहा था, अब मैं कहा थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पोर्टफोलियो भी बनाया जाए, कंपटीशन भी बढ़ रहा था स्टूडियो में, कंपटीशन ऐसा ऐसा बच्चे बच्चे आए जा रहे हैं सारे सही इसको लेते थे जरा सीरियस था ये, मैंने काफी कुछ शेयर भी किया था, कुछ दो तीन बच्चे हैं जिन्हें देख के मुझे लगता है कि नहीं यार मेरा मुश्किल है, क्योंकि ना मैं थोड़ा डाउन रहता हूँ उन्हें देख के। तो फिर स्टूडियो में प्रैक्टिस की, ये किया, अपने ऊपर थोड़ा यकीन लाया मैं कि नहीं यार हो सकता है। तो फिर आपने मुझे कॉन्सेप्चुअल पकड़ भी पोर्टफोलियो, तो किसी अंडर कंस्ट्रक्शन जो है जगह उसकी तस्वीर ले, फिर लेके मुझे दिखाओ और मैं बताता हूँ क्या क्या करना है। मैंने फॉरन स्ट्रेन है वहाँ पर, वहाँ की मैंने तस्वीर ली, आपको ला के दिखाई, आपने स्टार्ट कर, मैंने स्टार्ट की भी पेंसिल से, मैंने मार्क किया स्ट्रक्चर वगैरह, वो पेनलिंग पे था वो स्टार्ट किया, फिर मैंने उस पे मुझे डर था काफी कि पेन संभाला ही जाना मेरे से, क्योंकि पहली दफा था इस मीडियम पे काम कर रहा था। फिर करता गया वो बहुत ही खूबसूरत बन गया मेरे लिहाज से, सारे फ्रेम करवाए हुए हैं, लगाए हुए हैं सारे, जबरदस्त जबरदस्त। तो अपना एक बेस्ट पोर्टफोलियो यहाँ पे जो है जब भी टाइम मिले वहाँ पे दे रहा है, ताकि ये बाकी बच्चों के लिए, क्योंकि हर बच्चे का मैं लेता हूँ इनके लिए वो बताना पड़ता है, वो सारी उम्र वो फिर बताया जाता है इसका जैसे मेरे एनसीए में फातिमा उस्मान गई है, शोजब गया है, हबीब गया है, फाखर गए हैं, मतलब इस तरह फिर एक मुर्तजा, ये वो काम है जिनके काम बहुत हाई लेवल पे, मतलब एनसीए टेस्ट भी जरा लेवल ऊपर था जी। तो फिर ये मैंने पोर्टफोलियो बना लिया, अब था कि चलो ठीक है पोर्टफोलियो तो बना लिया, अब मेरी सी टेस्ट। तो टेस्ट आया, तो उसमें क्या नाम है, पहले दिन तो एप्टीट्यूड और मैथ्स था, ठीक हो गया। अब मैं थोड़ा मैथ्स के लिहाज से थोड़ा डाउन ही था, मैं कहा मेरा हालांकि पूरा तैयार था मैथ्स, लेकिन ना थोड़ा था डर था कि आखिरी ट्राई है एनसीए की, क्योंकि घर वालों ने कहा था आखिरी ट्राई, इसके बाद कोई नहीं करनी, दूसरी यूनिवर्सिटी में हो गया वहाँ पे। तो खैर अब टेस्ट दिया मैंने, एप्टीट्यूड तो मेरा बहुत अच्छा हो गया, मतलब मैं पूरा सेटिस्फाई था उससे। मैं इतना तो सोच रहा था कि नहीं मेरे से अच्छा हुआ ही नहीं होना किसी का एप्टीट्यूड, क्योंकि आपने नोट्स दिए थे पिछले दिनों, उसकी तैयारी की थी मैंने, आधा ज्यादा आया उसमें था, बाद में आपने मैथ्स का बताया था कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सारा उसमें से है, तो मैथ्स का भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा टेस्ट हो गया। ये रीजन जो कामयाबी, ये रीजन है, मैथ भी है हम उसको एज अ आर्टिस्ट, हम मैथ नहीं इग्नोर कर सकते, आर्किटेक्चर के जो बच्चे हैं
बहुत वो असल में फायदा फायदे वाली चीज भी है क्योंकि अगर बाकी का मैच नहीं ना तो आपका मैच है तो वो आप बिल्कुल ला सकते हैं ड्राइंग से, तो फिर वो सोने का सुहागा सी सोने का सुहागा सी, फिर अगले दिन ड्राइंग टेस्ट था तो वो तो अनएक्सपेक्टेड ही कुछ आ गया, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि साइकिल आ जाएगी क्योंकि पिछले सालों से ऐसे मिनियंस आ रहे थे रैपर्स आ गए इंडिविजुअल पड़ा हुआ है लेकिन यहाँ पे ग्रुप्स में बीच में एक साइकिल है। खैर वो मैंने बनाई थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि आगे से थोड़ा मैंने कुछ कर दिया लेकिन आपने फिर बताया कि वो इजी सीन है वो इग्नोर कर देंगे आगे टायर जो है तो फिर क्योंकि 10% को वो इग्नोर कर देते हैं अगर 90% बहुत गुड हो 90% बहुत गुड हो और मेरा एंगल असल में फोर शॉटिंग वाला था बाकी सारे पीछे पीछे बैठे हुए मेरे मुंह पे साइकिल पड़ी हुई थी चैलेंज था वो चैलेंज था लेकिन मैं सोचा कि मैं वहां से उठ के ना कोई दूर की जगह ले लूं बाद में जहन में आया कि ये चीज अलग है आपकी बात आ गई कि एनसी जाना तो अलग करना पड़ेगा तो फिर फोर शॉटिंग था मैंने कहा इसे अलग कुछ हो नहीं सकता तो ये जबरदस्त 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 ये बनाया फिर मैंने और तक फिर नाम आया अभी तो थोड़ा डर था क्योंकि एक था कि आगे चांस है इसलिए मैं सोच रहा कि अगर इंटरव्यू में भी ना आया तो वो ओवर थिंकिंग करके बंदा ऐसा करता ना तो ये हुआ फिर खैर अल्लाह का शुक्र इंटरव्यू में नाम आ गया मैंने दो में दिया हुआ था आर्किटेक्चर ओबीसीडी में दोनों में आ गया दोनों का माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों में आ गया तो पहले दिन था आर्किटेक्चर का इंटरव्यू मैंने ना वो फिर नोट्स वगैरह पकड़े भी पुराने जिसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी वो मैं करता गया तो बाद में ऐसा पता लगा कि इंटरव्यू ये नहीं है कि मतलब आप नोट से छाप रहे हो इंटरव्यू वही है जो आप हो पूरा स्कैन किया जाता है फॉर्म से लेके सर वो आप एकदम से रट नहीं सकते वो आपको पता ही नहीं उन्होंने पूछना क्या है। अब मैं गया हूँ फिर इंटरव्यू वाले दिन पोर्टफोलियो थे मेरे पास 3 फ्रेम पोर्टफोलियो थे तो बाद में अल्लाह का शुक्र है मेरी बारी वैसे पहले ही थी क्योंकि थोड़ा लेट चला था ना काम तो थोड़े खैर मैं वहां पे गया हूँ मैं देखे हैं बच्चों के काम देखे हैं अब था मुझे क्योंकि अब पूरा साल आपके पास लगाए अब अभी भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आना था तो कब आना था मैं कहा नहीं अब इंशाल्लाह है मेरा अच्छा काम तो मैं अंदर गया हूँ क्या नाम है उनका मेरा आपका सारा फॉर्म उनके पास होता है आपके इंटरेस्ट वगैरह लिखे होते हैं सारे प्रिंसिपल सामने बैठे थे उन्होंने पूछा कि अच्छा आपने यहाँ पे रखा आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स का शौक है एक्टिंग डांसिंग वगैरह का तो आपने कभी डांस वगैरह किया आपने कभी डांस किया मैंने कहा कॉलेज वगैरह में होता था कहते अच्छा एक्टिंग वगैरह कहीं पर की हो मैंने कहा कॉलेज में स्किट्स वगैरह प्लेस वगैरह वहाँ पे काफ़ी किए तो मैम कहती हैं कि अगर हम आपको कहें कि भी कुछ करके दिखाओ तो आप कर लो कि मैं आप कहती हूँ कर लो चलो करो तो मैं उठाऊँ कहते कुछ भी आप कर दो बस आपके पास थोड़ी सी देर है जो आप करके दिखा सकते हो करो खैर मैंने कर दिया कुछ छोटा सा डायलॉग मेरा फेवरेट था मैंने बोल दिया तो बाद में कहते हैं कि आपने किसे क्लासेस वगैरह ली हैं मैं कहता नहीं क्लास लेने की आपके अंदर दी हुई बात की मतलब इंटरव्यू की तैयारी मैं भी ऐसे नहीं करवा सकता कोई नहीं करवा सकता कोई भी नहीं करवा सकता क्योंकि 18-20 साल से जो बच्चे की ग्रूमिंग हुई है मैं नहीं चेंज कर सकता अमेरिकन ऐसे टाइप से अगर बच्चा उठ गया एक बच्चा मोची दरवाजे या शतरे से आया तो माइंड लेवल हर चीज मतलब बहुत डिफरेंट होगी और मैं मतलब साल में भी कैसे चेंज कर सकता हूँ उसका माइंड लेवल आप बात को थोड़ा सा फॉलो कर रहे हैं रख लिया कॉन्सर्ट में जाता रहा हूँ तो है वहाँ पे ज्यादा कोई दिल वगैरह लगा नहीं क्योंकि पूरे 2 साल से आपने बल्कि सालों से आपने एनसीए का सोचा हो ऐसे ही तो फिर अब दोनों मैंने दे दिए आर्किटेक्चर का भी इंटरव्यू दे दिया बीसीडी का भी दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बहुत अच्छे इंटरव्यू आए मैंने पैनल में तकरीबन 8 से 10 लोग बैठे हुए थे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि कॉन्फिडेंस आ गया हुआ था मेरे अंदर 2 साल इंटरव्यू से दिए खैर अब ये जो टाइम था ना इंटरव्यू से लेके लिस्ट लगने तक का ये था महीना बीच में गया और वो पता नहीं कैसे गुजारा वो समझ नहीं आई मुझे ये मजे का टाइम होता है ये बहुत मजे का टाइम अब मैं सोचूंगा इस टाइम के बारे में अब मजा आता है जब मजा आता है तो अब डर ही डर मैंने आपको 2 दिन का मैसेज किया सर अब मेरी कोई इतना ज्यादा मैं हाथ नहीं पकड़ाता हूँ उसकी भी वजह होती है कि ये फेस कर रहे हैं क्योंकि ये लाइफ की एक अचीवमेंट जो बाद में खुशी होती है मैं ऐसे उठा के हवा में कर दूं कॉन्फिडेंस खुदा ना खासा रिजेक्शन होती है बंदा फिर ऊपर से नीचे गिरता है शायद दोबारा भी ना उठ पाए अगर आप 1 साल पहले उठ गए थे ये हर बार भी नहीं होता कि उठा जाए ये सीन सही हो गया खैर अब ये था क्या नाम है महीने का टाइम था और मैंने कॉम सेट्स में निकाले
कॉन्सर्ट्स में हम किस तरह निकाले हैं मुझे ही पता है, क्योंकि वो होता ही सोचा नहीं था, सोचा नहीं था बिल्कुल भी, अनएक्सपेक्टेड एक जगह पे जा रहे हो गया है। फिर दुआ वगैरह इस तरह के घर वालों ने काफी इसमें सपोर्ट किया कि आ जाएगा, दोस्त थे साथ, अच्छे दोस्त यहाँ पे मुझे काफी दो मिले अच्छे दोस्त वो थे साथ। खैर ये टाइम गुजर गया, फिर 15 अक्टूबर को डिस्ट्रैक्ट नहीं थी, अब फाइनली आपका माशाल्लाह नाम आया और लगा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। एक थोड़ा सा लास्ट सवाल है जो पर्सनली है थोड़ा सा, मतलब आप भी इंसान हो, ऑब्वियसली जो है आपकी अट्रैक्शन जो है यही थी आपकी फ्रेंड कॉन्सर्ट में, यही थी यही है। कैसे शहर बच्चे फिट फाट हो? आ जाओ बस, वीडियो बन रही है, मैं इसका जो है थोड़ा सा एक कंप्लीट, आ जाओ यहाँ बैठ जाओ कोई मसला नहीं। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ, ये ऑब्वियसली लोगों ने भी देखनी है वीडियो वगैरह हमारी जो पाकिस्तान की यूथ है, वो थोड़ा पर्सनल सवाल ये है, फ्रेंड सर्कल मैंने आपको ही माशाल्लाह देखा बहुत अच्छा है, मतलब एक क्लास है समझ में आती है, तो मतलब आपका माइंड या 24 घंटे में क्रेडिट आवर्स आपने उनको क्यों नहीं ज़्यादा दिया जो हमारी यूथ आजकल दे रही होती है, मतलब फोन पे मीटिंग्स पे पार्टीज पे, मतलब अगर आप स्टेबल नहीं है तो उनको आपके अंदर क्या दिल नहीं है दबाव नहीं है, आपने क्यों नहीं लिया? मतलब ऐसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, जिम्मेदारी थी घर से, जिम्मेदारी थी घर से भी और एक खुद की भी। जब आपके वो ड्रीम्स होते हैं ना तो आप बाकी चीजें साइड पे कर देते हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते आपने, तो आपको पता लग जाता है ये चीज आपको अफेक्ट कर रही है तो वहाँ पे क्यों जाए, मतलब एक चीज आपको देखने से खुद फील हो जाती है इस चीज की, आपको कदर इस वजह से हुई, कदर थी ना, मतलब ये चीज एक ऐसी है गुरबत और एक जिम्मेदारी, मतलब एक नेमत है, ये नेमत है और जिसको फ्री हैंड मिला हुआ है, पॉकेट मनी फ्री हैंड मिली हुई है, सैशे मिली है, वो क्यों इतनी स्ट्रगल करेगा, मतलब वो अनलकी है, लकी नहीं है, मतलब ये लेसन आपके उसमें से लिया जाता है, कि मैंने फील, मुझे था ये पता लेकिन मैं थोड़ा सा मैंने कहा शेयर कर, वो एक डर भी था, वो आपको भी पता है, मैं आपसे भी कहते हैं शेयर शेयर करता हूं, स्टेबल नहीं हुआ तो हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, जो है देखने वाले वीडियोस देखने वाले काफी कुछ सीखा होगा इस स्टोरी से, ये फर्स्ट टाइम एक बच्चे की मैंने स्टोरी बनाई है, तो मकसद मेरा अटेंशन यही था कि 15 सालों से कई हिस्ट्री में बच्चे ऐसे आए हैं, कहानियां बनी हैं, आप लग यानी कि बाकी लोगों तक नहीं पहुंची, किसी को पता नहीं कौन कैसे जा रहा है कैसे जा रहा है, कोई माँ अपना जेवर गिरवी रखवा के बच्चे को एडमिशन दे रही है, कोई पार्ट टाइम जॉब करके एडमिशन ले रहा है और कोई 3-4 साल भी हो गया नहीं ले रहा है एडमिशन, उसका ध्यान नहीं, मतलब इस तरह सारे ऊपर अप्स एंड डाउन आते हैं, तो खैर ये थोड़ी ड्रैग भी हुई है लंबी, लेकिन ये जो टारगेट इस बच्चे के यानी कि ऑडियंस होंगी इस वीडियो की वो इसको ज़रूर देखेंगे, ये चीज़ है। खैर आपकी भी स्टोरी बनेगी इंशाल्लाह ताला, सर फ्रेंड्स सपोर्ट भी अप्लाई किया इंशाल्लाह ताला, आ गए तो स्टोरी क्लास में जिनके भी नाम आए हैं शान जहरोन वगैरह जितने भी बच्चे हैं मलाइका वगैरह सबको बुला के इंटरव्यू में क्लास में लूँगा, ठीक है इसे वॉक करता हूँ।